गुड मॉर्निंग। आज के लेसन में हम समघट्य आवर्ती पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपने चक्रवाद संघट्यवाद पढ़ा है, समझ में आया है कि जब भी अभिक्रियाएं होती हैं तो अभिकारक जो होते हैं उनके मध्य टक्कर होती है, ठीक है। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है संघट्य आवर्ती। सबसे पहले बात आती है कि इसे जेड से दर्शाते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। होती क्या है, देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई क्रियाकारक का मिश्रण है, या ये कहें कि दो क्रियाकारक है, अभिक्रिया संपन्न होने में इन दोनों के मध्य होनी है। तो इन क्रियाकारकों की जो सांद्रता है, या ये कहें इन क्रियाकारकों के मध्य जो टक्कर है, जो इसके इकाई आयतन में जो प्रति सेकंड टक्कर हो रही है, या टक्करों की संख्या है, प्रति सेकंड जो टक्करों की संख्या है, एक सेकंड में जितने क्रियाकारक आपस में टकरा रहे हैं, वो टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संघट्य आवर्ती कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड, इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्य आवर्ती कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्य आवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई आपके पास ये टेंट है, ए प्लस बी क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। यदि इस पर आ रही समीकरण आप देखें, उसके अकॉर्डिंग यदि संघट्य आवर्ती इसकी निकालें, तो संघट्य आवर्ती क्या जाएगी, जेड ए प्लस बी बराबर जो इसका अभिक्रिया है, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगी इसका, जेड ए बी और ई माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, संघट्य आवर्ती के बारे में पता कर लेते हैं, संघट्य आवर्ती को डिफाइन करते हैं। तो ये आपकी क्या है, संघट्य आवर्ती है, मतलब कि जो भी आपका अभिकारक है या क्रियाकारक है, तो उसके आयतन में, इकाई आयतन में जो प्रति सेकंड जो टक्कर होती है, उनकी संख्या को हम संघट्य आवर्ती कहते हैं, जिसे हम जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव या तापमान। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव तथा ताप गुणांक, देखिए क्या होता है, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव,
सबसे पहली बात यह है कि यदि आप कोई भी अभिक्रिया लेते हैं, कोमल अभिक्रिया से मान लीजिए आपने ये दी, यहाँ से प्रोडक्ट बनना है, तो इस अभिक्रिया के यदि आप क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ताप इसका बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है इसकी अणुओं के मध्य, कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा है उसका मान बढ़ेगा। और यदि जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो जो प्रभावी टकरे हैं, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी टक्करों की क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। और जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो जो उत्पाद बनने की प्रोसेस है, जो उत्पाद बनने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अभिक्रिया वेग क्या होगा, बढ़ेगा, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। कॉमन सी बात है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए आप ताप बढ़ाते हैं तो गति ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है तो उत्पाद बनने की जो प्रोसेस होती है वो तेजी से होती है, अर्थात अभिक्रिया वेग बढ़ता है। परंतु सामान्यतः यह देखा गया है कि यदि आप ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तो जो अभिक्रिया वेग होता है, जो अभिक्रिया वेग होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यदि आप ये कहें कि यदि मान लीजिए टी डिग्री सेल्सियस पर ताप जो है आपका वो टी डिग्री सेल्सियस है, इस पर यदि आपका जो वेग नियतांक है वो KT, और यदि इस ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, +10, तो वेग नियतांक क्या हो जाएगा, वेग नियतांक हो जाएगा KT+10। ठीक है, ये वेग नियतांक हो जाता है। और यहां पर यदि इस वेग नियतांक और इस वेग नियतांक का अनुपात लेते हैं तो ये अनुपात आपका ताप गुणांक कहलाता है, ताप गुणांक से जानते हैं। और इस ताप गुणांक को हम ये भी कह सकते हैं कि जो ताप का अंतर है यदि 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जो वेग नियतांकों का अनुपात है वो ताप गुणांक कहलाता है। यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो वेग है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और इस अकॉर्डिंग होता है कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हैं गति ऊर्जा का मान बढ़ता है, और गति ऊर्जा के मान बढ़ने से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, और उसका जो अभिक्रिया वेग है वो बढ़ता है। परंतु ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग अप्रोक्सीमेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और यदि आप उसका अनुपात लेते हैं वेग नियतांकों का तो वो क्या कहलाता है, आपका ताप गुणांक कहलाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है, सामान्य ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर गति ऊर्जा का मान बढ़ता है जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात देखेंगे इसमें कि ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया वेग तो बढ़ता है, लेकिन
बढ़ाने पर जो कोटि होती है वो अपरिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया कोटि अपरिवर्तित परंतु जो वेग नियतांक का मान होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। परंतु वेग नियतांक या स्थिरांक बोलते हैं, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है अतः ताप के साथ अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को प्राय वेग नियतांक में परिवर्तन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ता है, 2 से 3 गुना बढ़ता है। इसको लिख सकते हैं यदि T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया वेग नियतांक पर अभिक्रिया वेग नियतांक तथा T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया वेग के T तथा डिग्री सेल्सियस प्लस 10 मतलब ताप का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तथा टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के टी प्लस 10 यदि ताप का अंतर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो T प्लस 10 का जो वेग नियतांक होगा वो KT प्लस 10 होगा। तब हम कह सकते हैं कि KT प्लस 10 अपॉन KT अप्रोक्सीमेट अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ता है। और इस संबंध को हम ताप गुणांक के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि जो ताप गुणांक होता है, यदि ताप गुणांक को परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि जो ताप गुणांक होता है वो यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर किया जाए तो जो वेग नियतांकों का अनुपात है वो क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। तो कह सकते हैं हम ताप गुणांक बराबर यदि ताप में किसी अभिक्रिया के दस डिग्री ताप, 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर, ताप के अंतर पर वेग नियतांकों का अनुपात, ताप के अंतर पर वेग नियतांकों का अनुपात नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक कहलाता है। कह सकते हो ताप गुणांक बराबर प्लस टेन अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट 2 से 3, ठीक है। तो ये आपका ताप गुणांक टॉपिक था, पेपर में पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।